तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। लिटरली आज घर में मैं बिल्कुल अकेली हूँ, क्योंकि सभी लोग चले गए हैं मेला देखने के लिए। मम्मी भी चली गई हैं और मेरी छोटी वाली सिस्टर और बड़ी वाली सिस्टर दोनों लोग चली गई हैं। पापा को तो ड्यूटी जाना था, तो पापा आज मंडे है तो आज पापा ड्यूटी भी चले गए। कोई भी घर में नहीं है और मेरे भाई भी मेला देखने गए हैं, और वहाँ मेरी मौसी का घर भी है तो वे लोग वहीं रुक जाएंगे। इसलिए आज मैं घर में बिल्कुल अकेली हूँ। घर में सिर्फ मैं और मेरी दादी जी हैं। दादी जी तो घर में आती नहीं है ज़्यादा, वो बाहर ही बैठी रहती है। मैं तो वैसे ही आपको पता ही है, सब लोग बाहर ही रहते हैं ज़्यादातर, बड़े बूढ़े लोग जो भी हैं। बाकी मैं ही सिर्फ घर में अकेली हूँ बिल्कुल, और दादी बाहर बैठी हुई हैं। मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। दोपहर में ये लोग गए हैं, अभी शाम हो गई है, तो डरपोक भी मुझे रात में थोड़ा डर भी लगेगा, पर कोई बात नहीं, देखते हैं। और लाइट भी नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात तो यही है कि लाइट नहीं आ रही है हमारे यहाँ भी, क्योंकि सुबह सुबह से बहुत तेज़ से बारिश हो रही थी, तभी तो ये लोग दोपहर में गए मेला देखने, तो ये सुबह ही चले जाते हैं। और इसी वजह से और लाइट भी नहीं आ रही, तभी मुझे और ज़्यादा डर लग रहा है। एक रात में तो बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी खाना बना के, जैसे ही अंधेरा होगा वैसे ही सो जाऊँगी। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है, बिल्कुल थोड़ी सी चाय मेरे लिए और सिर्फ दादी के लिए। और ये सारे बर्तन रखे हुए हैं, अभी मैं ये सारे बर्तन धो लेती हूँ जल्दी से। और टंकी में पानी भी बहुत कम है, मैं तो यही सोच रही हूँ शाम तक लाइट आ जाए, नहीं तो मुझे पिछली बार की तरह बाहर से पानी भर के लाना पड़ेगा। अभी तो थोड़ा बहुत पानी है पर टंकी में, तो बर्तन भी धुल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा सारा काम धंधा हो गया है और अभी बस चाय भी बन गई है। मैंने भी चाय नहीं पी है, अभी चाय पियेंगे चल के, और दादी को भी देनी है चाय, दादी को भी दे के आएंगे। झाड़ू भी लगा लिए और बर्तन बर्तन भी धो लिए, और मैंने अभी बाल भी बांध लिए हैं। गर्मियों में ये जो बारिश का मौसम होता है, इसमें बाल बिल्कुल स्टिकी स्टिकी से हो जाते हैं। एक सिंपल चोटी कर ली है मैंने, और अभी इसी चोटी का जूड़ा बना लेंगे। ये चोटी कर ली है ऐसे, थोड़ा सूख जाए बाल इसीलिए खुले हुए हैं, और बाकी फिर इसका जूड़ा बना लेंगे। चलिए चलते हैं, दादी को चाय दे के आती हूँ मैं जल्दी से। दादी बेचारी सोच रही होंगी अभी तक चाय नहीं आई है, 5 बज चुके हैं। चाय दे के आती हूँ मैं, पहले इसका जूड़ा ही बना लेते हैं। बहुत बुरा लगता है, खुले को मेरी आदत है। दादी लेती हुई है, दादी जी ने तो पी ली है चाय, अब मैं भी लेती हूँ। ये है मेरा कप। अच्छी लगती है, और इतनी अच्छी नहीं लगती काली चाय। चलिए, और मेरी पूड़ी रखी हुई है इधर, देखिए ये मैंने सुबह में बनाई थी। पापा डेडी गए थे तो खाना लेकर जाते हैं, इसलिए मैंने पूड़ी बनाई थी और बीन्स बनाई थी, ग्रीन वाली गुच्छे वाली फलियां बोलते हैं उन्हें फ्रेंड्स लोग, वो गुच्छे वाली फलियां थी वो बनाई थी, और पूड़ी बनाई थी। अब हम लोग पीते हैं अकेले अकेले चाय। हम लोग फ्रेंड्स अकेले अकेले खाने पीने वाले लोग हैं। पूड़ी और चाय। पेप्सी तो कहीं मिली नहीं है, तो मैक्रोनी तो मिल गई है, पर चलिए कोई बात नहीं, पेप्सी नहीं मिली है, हम मैक्रोनी बनाते हैं। यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है कढ़ाई में गर्म होने के लिए, अब ये मैक्रोनी को इसमें डाल देते हैं, जल्दी से बना लेती हूँ मैं। इसे उबलने में तो बहुत देर लगेगी, फिर इसको पकाएंगे और खाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने सारा सामान काट लिया है। सामान क्या, ये आलू टमाटर, ये टमाटर और प्याज मैंने काट लिया है, और यहाँ पर मैंने कढ़ाई भी रख दी है, चढ़ा दी है, और हमारी मैक्रोनी भी उबल गई है। देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल उबल गई। अब मैं कढ़ाई में तेल डालती हूँ, उसके बाद मैक्रोनी को छोड़ देंगे, बढ़ा देंगे। फ्रेंड्स, मैक्रोनी तैयार हो गई है, मैक्रोनी तो बन गई है, और अब मैं जा रही हूँ कढ़ाई धोने के लिए। यहाँ पे मैंने ये गंदी कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई बहुत गंदी हो गई थी, अब हम इसे अच्छे से साफ़ करेंगे।